बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। अब ये जांच का विषय है कि मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया, मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया, ये जांच का विषय है। दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे। कहां से कानून लेके आए गृह मंत्री जी आप? आपका मकसद है राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता को खत्म करना। एक नई परंपरा मोदी सरकार ने शुरू कर दी है, जो सरकार के खिलाफ बोले उसकी सदस्यता खत्म करो, उसको निलंबित करो, उसको बाहर करो, उस पे FIR करो, तो सीधे सीधे तानाशाही घोषित कर दो। क्यों लोकतंत्र का ड्रामा पीट रहे हो? और दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह कंपनी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने कितना बड़ा झूठ बोला, और जिस झूठ के चक्कर में माफ कीजिएगा आप लोग भी कई बार फंस जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा क्योंकि इतना दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। फर्जी हस्ताक्षर को लेकर आज राघव चड्ढा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसे सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राघव चड्ढा के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। आइए सुनते हैं सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने क्या कहा। एक नई परंपरा मोदी सरकार ने शुरू कर दी है, जो सरकार के खिलाफ बोले उसकी सदस्यता खत्म करो, उसको निलंबित करो, उसको बाहर करो, उस पे FIR करो, तो सीधे सीधे तानाशाही घोषित कर दो। क्यों लोकतंत्र का ड्रामा पीट रहे हो? और दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह कंपनी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने कितना बड़ा झूठ बोला, और जिस झूठ के चक्कर में माफ कीजिएगा आप लोग भी कई बार फंस जाते हैं। क्या कह रहे हैं देश के गृह मंत्री देश के सदन में? फर्जीवाड़ा हो गया, सिग्नेचर गलत हो गया, सिग्नेचर कहां से आया, सिग्नेचर किसने कराया? अरे भैया, देश के तुम दूसरे नंबर के मंत्री हो, इतना सामान्य ज्ञान तो सदन की कार्रवाई के बारे में रखो। सेलेक्ट कमेटी में किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है, उसके किसी सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। कहां से कानून लेके आए गृह मंत्री जी आप? आपका मकसद है राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता को खत्म करना, एकमात्र मकसद है। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता आपने खत्म करी, ऐसे राघव चड्ढा की सदस्यता आप खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हर हाल में तुमसे लड़ना जानते हैं, जीतना जानते हैं, और हम लड़ेंगे। और किसी तरीके से अगर आपने हथकंडे अपनाकर राघव चड्ढा की सदस्यता खत्म की तो दोबारा चुन के आ जाएंगे। बीजेपी का मूल मंत्र है रिपीट अ लाई 1000 times एंड इट बिकम्स द ट्रूथ। एक असत्य को, झूठ को 1000 बार बोलो और 1000 बार वो सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। इस मंत्र के तहत मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि न जाने कौन सा फर्जीवाड़ा हो गया, कौन से जाली दस्तखत हो गए, और इसी के चलते मुझे आज आपके सामने आना पड़ा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। अमूमन ये देखा जाता है जब भी किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार समिति कोई कार्रवाई शुरू करती है, यानी कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस कोई प्रोसीडिंग शुरू करती है, तो वो शख्स उस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता। लेकिन मेरे को मजबूरन आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा क्योंकि इतना दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी अपने बयान में ना कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में, ना ऑनरेबल चेयर के बारे में कोई भी बयान दूंगा। मैं सिर्फ रूल, पोजीशन और सच्चाई आपके सामने रखूंगा। पहली चीज तो यह है कि यह रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है।
ये रूल बुक लाल किताब, इसमें लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं, कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है, और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमिटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित, प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब भी सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना सिग्नेचर की जरूरत होती है। नो सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड, नो सिग्नेचर्स आर टेकन एंड नो सिग्नेचर्स आर सबमिटेड। तो जब किसी का हस्ताक्षर लिया ही नहीं, जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं, तो ये फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और ये मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई। मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को, आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको।